हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक एंड ऑप्शन कंसल्टेंट। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में जिसमें आप इंट्राडे करके एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से ऐसे स्टॉक है जिसमें इंट्राडे किया जा सकता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को पूरा देखिएगा। टॉप 5 स्टॉक में रिकमेंड कर रहा हूँ। वीडियो यदि पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाएं ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों को नोटिफिकेशन के जरिए इंट्राडे से रिलेटेड, चाहे वो स्टॉक से हो या निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन इंडेक्स से हो, आप लोगों को नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले इंट्राडे के स्टॉक में चलते हैं। सबसे पहला मेरा स्टॉक है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा, इसे आप लोगों को कब बाई करनी है वो मैं बताता हूँ। इसे आप लोगों को बाई करनी है 1032 रुपये से ऊपर, 1032 से ऊपर। अगर ये 15 मिनट का कैंडल क्लोज करे कल, तो देख सकते हैं ये एक ट्रेड लाइन का भी ब्रेकआउट करेगा और एक रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट करेगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं ये एक रेजिस्टेंस है, इसका भी ब्रेकआउट होगा। तो ये ब्रेकआउट होने के बाद 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो तो उसके हाई पर आप लोग इसे बाय कर सकते हैं। आपका फर्स्ट टारगेट होगा 1049 रुपये, अप्रोक्स 1050 का फर्स्ट टारगेट होगा एंड सेकेंड टारगेट होगा 1060 का, आपका सेकंड टारगेट होगा। पर टारगेट से पहले आप लोग 1 पॉइंट 2 पॉइंट पहले एग्जिट हो जाइए या फिर स्टॉप लॉस लगाए और उसको ट्रेल करें। चलिए, ये तो था मेरा फर्स्ट स्टॉक। बात करते हैं सेकंड स्टॉक के बारे में। सेकंड स्टॉक हमारा कौन सा है? सेकंड स्टॉक में इंट्राडे में मैं रिकमेंड करूंगा कोटक महिंद्रा बैंक। ये जो इसे कब बाई करनी है, इसे भी यदि आप 1018 रुपये से ऊपर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो, 1018 रुपए या जो लेवल है, आप लोग देख सकते हैं कितनी बार इसने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिया है, लेकिन ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर है। इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल के ऊपर अगर 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो तो डेफिनेटली आप इसे बाय कर सकते हैं। आपका फर्स्ट टारगेट होगा 1034 रुपए एंड सेकंड टारगेट होगा 1834 रुपए एंड सेकंड टारगेट 1845 रुपए एंड आपका एसएल होगा आपका 1800। जो ये जो लेवल है, इस लेवल पर आप इसे एसएल बना सकते हैं। 1800 का लेवल एसएल होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा थर्ड स्टॉक कौन सा है। थर्ड स्टॉक हमारा ग्राजिम इंडस्ट्रीज है। इसे भी आप लोग बाय कर सकते हैं। कौन से लेवल में मैं बताता हूँ, इसे तो आप लोग डिस्प्ले में देख सकते हैं। ये जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल का यदि ब्रेकआउट हो कल, देख सकते हैं ये आपके साइड जा रहा है, कल हो सकता है ये कैंडल यहाँ पर क्लोज करे 15 मिनट का कैंडल, तो आप लोग इसे डेफिनेटली 1697 रुपये में इसे बाय करें या उससे ऊपर। और आपका फर्स्ट टारगेट डायरेक्ट होगा ये जो लेवल है, आप लोग देख सकते हैं ये लेवल, ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा, यानी टारगेट करना 1713 रुपये आपका फर्स्ट टारगेट होगा। एंड सेकेंड टारगेट कौन आप लगा सकते हैं, सेकेंड टारगेट आपका होगा 1728 रुपये। अब स्टॉप लॉस की बात करते हैं। स्टॉप लॉस आप कौन सा लगाएंगे, ये जो लेवल है ये आपका स्टॉप लॉस होगा, यानी 1681 रुपये से नीचे आपका 1680 रुपये 79 रुपीज़ के आसपास आपका एसएल होगा। चलिए अब नेक्स्ट यानी फोर्थ इंट्राडे स्टॉक कौन सा है बताता हूँ। वो है एनसीसी लिमिटेड। एनसीसी लिमिटेड में आप लोग इसे कब बाय करेंगे, आप लोग इसे बाय करेंगे ये जो है 70 रुपये 15 पैसा। 70 रुपये 15 पैसा जो है, ये जो लेवल आप लोग देख सकते हैं, इसने एक गैप डाउन ओपनिंग की थी और इसी लेवल से नीचे ये पूरी तरह से नीचे आया है। अब ये एक रेंज में फंसा, उसके बाद ओपनिंग हुई आपके साइड मूव देने के बाद ये फिर एक नीचे डाउन की तरफ आया, फिर ये आपकी तरफ जा रहा है। और ये जो लेवल है आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा लेवल इसने इस लेवल पर सस्टेन कर नहीं पाया, लेकिन आज जो है इस लेवल का ब्रेकआउट दिया है, इसलिए आप लोग इसे एसएल बना सकते हैं। यानी 69 रुपीज़ 50 पैसे आपका एसएल हो। आप लोग को इंटर कब करना, 70 रुपीज़ 15 पैसे से ऊपर, 70 रुपये 15 पैसे से ऊपर आप लोग इसमें बाय कर सकते हैं। आपका फर्स्ट टारगेट होगा 70 रुपये 85 पैसे, ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा 2, 3 एंड 4 टाइम, ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा। और आप लोग इसे ट्रेल भी कर सकते हैं सेकंड टारगेट के लिए 71 रुपये 45 पैसे के लिए। आप लोग देख सकते हैं 71 रुपये 45 पैसे के आसपास कितनी बार इसने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिया है। एसएल तो मैंने बता दिया, 69 रुपीज़ 50 पैसे आपका एसएल होगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा एंड लास्ट कौन सा है। वो है न्यूजेन। न्यूजेन केमिकल लिमिटेड जो है वो
आप लोगों के लिए एक इंट्राडे स्टॉक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक है ये, इसे मैं रेकमेंड करता हूँ सेकंड के लिए। ऐसे तो मैंने 5 स्टॉक आप लोगों को इंट्राडे के लिए दिया है, पर मैं चाहूँगा कि इसे आप लोग मिस ना करें, इसे आप लोग जो है वॉच करें। इसमें आप लोगों को देख सकते हैं इसने कितनी बार इसमें फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम एंड इसका ब्रेकआउट, और कितनी बड़ी मूव आई, और उसके बाद ये नेक्स्ट डे जो है इस लेवल के नीचे आने के बाद फिर गैप डाउन ओपनिंग हुई, फिर ये नीचे चल रहा था। आज जो है इसने 1491.95 रुपये यानी 1492 रुपये का ब्रेकआउट दिया, और अगेन इसने नेक्स्ट एंड लास्ट कैंडल जो है वो भी ग्रीन बनाई, और ये लेवल से इसे रिजेक्शन मिली, इसका ब्रेकआउट पूरी तरह से नहीं आया, यानी 1508 रुपये है, लेकिन इसको 9 रुपये, 10 रुपये के आसपास आप लोग या उससे ऊपर आप लोग इसे बाई करें, और आपका फर्स्ट टारगेट डेफिनेटली जो है, ये टारगेट जो है आपका फर्स्ट टारगेट होगा, टारगेट है 1525 रुपये, एंड लास्ट एंड सेकेंड टारगेट होगा 1548 रुपये। एस एल कौन सा लगाएंगे? एस एल लगाएंगे आप 1490 रुपये का आपका एस एल होगा। एस एल क्यों होगा? आप लोग देख सकते हैं इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर भी है यार, यहाँ पर भी है, इसलिए आप इसे एस एल लगा सकते हैं, 1490 रुपये से नीचे आपका एस एल होगा। चलिए दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो और भी इंट्राडे रिलेटेड वीडियो, स्टॉक के इंट्राडे रिलेटेड वीडियो मैं रोज पढ़े डालता हूँ, आप लोग उसे देखे, एनालाइज करें, खुद भी प्रिडिक्शन करें, उसके बाद आप लोग इसे बाय कर सकते हैं, प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। वीडियो यदि पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि पर डे मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी वीडियो लाते रहूं और आपको प्रॉफिटेबल होते रहें। मैं भी इंट्राडे करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं, गुड बाय।